दोस्तों साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की आइकॉनिक मूवी रोबोट 2.0 तो आप सभी ने देखी होगी। तो चलिए जानते हैं इस मूवी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। रोबोट 2.0 इंडिया की सबसे बड़े बजट में बनने वाली मूवी है, जिसका बजट 570 करोड़ का था। साथ में ये मूवी एशिया की दूसरी सबसे बड़े बजट की मूवी है। और फिल्म में दिख रहा अक्षय कुमार का ये लुक इंडिया के बर्ड मैन कहे जाने वाले सलीम अली के लुक से इंस्पायर्ड था, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी बर्ड लाइफ कंजर्वेशन में गुजार दी थी। फिल्म में पक्षी राजन के रोल के लिए डायरेक्टर शंकर की पहली पसंद आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे। आर्नोल्ड फिल्म के लिए 120 करोड़ डिमांड कर रहे थे, जो उस समय फिल्म के बजट से बाहर। इस फिल्म को कई सेल फोन और टावर ऑपरेटर्स ने बैन करने की मांग की थी, क्योंकि उनका कहना था कि जिस तरह फिल्म में टावर की फ्रीक्वेंसी से चिड़ियाओं को मरते हुए दिखाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म के इस सीन को देखते हुए बहुत से लोगों को लगा होगा कि इसमें बहुत सारे सेलफोन का यूज किया गया है, लेकिन इस सीन को बिना सेलफोन के सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन से शूट किया गया था। वैसे मूवी आपने कितनी बार देखी है?